Bluetooth device is ready to pair. मैंने एक डब्बी का लाइट जो होता है ना उसका इंडिकेटर के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक होल किया और एक ग्लू स्टिक की मदद से मैंने ग्लू स्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा लगा के उसको थोड़ा गर्म करके यहाँ पे उसके पैरलर में चिपका दिया ताकि उसका लाइट यहाँ पे दिखेगा मुझे। मैंने एक मॉडिफिकेशन किया है इसमें, ये एक्स्ट्रा लगाया मैंने, ये आप तो जानते ही होंगे कि ये एक मोबाइल होल्डर है विद चार्जिंग वाला। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि अगर मैं मोबाइल लगाता था विद कवर वाला, वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया है ये कि खींच के उसको लगा सकते हैं। ये मैंने स्लीव्स लगाई जो हम लोग वायर को गर्म करके वो स्लीव्स लगाते हैं, वो जॉइन करने के बाद वो स्लीव्स लगाई है मैंने। और इसके अंदर मैंने रबर वाला एक पार्ट लगाया जो हम लोग किसी सुई धागे की दुकान पे मिल जाता है दुकान, ये तो ये मैंने इसके अंदर ऐसा एक राउंड करके डाल दिया है। और ये मैंने एक एल्यूमिनियम का तार जाड़ा जो मुझे मिला था, तो मैंने लकीली उसको ऐसा यहाँ पे ऐसा बैंड करके और इसको गांठ मार के और फिट कर दिया मैंने उसको, और थोड़ा फेविक विक भी डाल दिया जिससे वो निकलेगा नहीं। एक अंदाजे से मैंने इसको काटा है कि कितना तक मेरे को लंबा तक जा सकता है, लेकिन स्ट्रेचेबल होता है इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता। और इसका डेमो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ये मेरा मोबाइल है, एक्चुअली इसमें ये एम आई का मोबाइल है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि दोनों एक ही बाजू दे दिया है इसका, ये वॉल्यूम का और लॉक बटन, तो उसके कारण मुझे यहाँ पे फिट करने के लिए प्रॉब्लम होता था। दूसरी बात यह कि मेरा जो एक कवर है उसको पीछे ऐसा दिया गया है तो वो फिट नहीं होता है वहाँ पे जब मैं उसे बिठाता हूँ तो वहाँ पे। तो मैं पहले ऐसे लगाता था मोबाइल, थोड़ा ऊपर लगाता था। जस्ट सेकंड में आपको बताता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसको लगाया, ज़्यादातर भाग ऊपर रहता था क्योंकि इसको मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है इसकी वजह से मैं इसको नीचे लगाता था पहले, तो ये फिट तो बैठता लेकिन फिर भी अंदर तक नहीं जाता क्योंकि वो थोड़ा पीछे का ही बाजे की वजह से वो रह जाता था। तो उसके कारण मैंने फिर, और दूसरी बात क्या, जब चला रहे तो सेफ़ नहीं रहता है मेरा, कई बार ये मोबाइल आगे तक आ गया है, गिरने के जैसा हो गया है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ और आइडिया लगा के देखता हूँ, तो ये तो वर्क नहीं करता ऐसे करके, तो मैंने एक दूसरा आइडिया लगा के फिर ट्राई किया। वो भी दूसरा ये किया कि मैंने मोबाइल को नीचे की तरफ किया थोड़ा, इसमें ये लॉक के पास आता है लेकिन लकीली कवर इतना जाड़ा है थोड़ा कि लॉक के पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, देख सकते हैं आप। तो वो बटन दबाने के लिए भी आसानी होता है, वो भी होता है, लेकिन इसमें भी अच्छे से पकड़ता है। इवन यहाँ पे मोबाइल ज़्यादातर अंदर जाता है वो, और बैक का भी ये जो है वो थोड़ा, और हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो है वो नीचे चला गया थोड़ा वहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया। लेकिन इसमें भी थोड़ा डर था कि शायद निकल सकता है, तो एक बार ऐसा हुआ भी था उसमें भी। तो मैंने क्या सोचा कि फिर ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया है उसको मैंने खींच के ऐसा ऊपर ला दिया तो ये प्रॉपर फिट हो गया, तो अभी निकल नहीं सकता। इसमें भी एक प्रॉब्लम होता था कि शायद मेरा ऐसा कुछ हाथ मतलब कुछ ऐसा लग गया तो शायद ये ऊपर से बाहर आ जाता था। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे हम लोग को जो साथ में एक रबर का दिया रहता है तो उसके थ्रू और भी मजबूती के साथ अभी आप देख सकते हैं कि ये बिठा दिया मैंने पीछे वाला जो एक साथ में रबर आता है वो, तो अभी क्या हो गया ये एकदम फिट हो गया और इतना मजबूत हो गया कि कितना भी गाड़ी हिलेगा। हमारे रास्ते तो हमें पता ही है कि कैसे होते, बहुत स्मूथ तो नहीं होते, तो कितना भी अभी गाड़ी हिलेगा तो ये कभी नहीं निकलेगा, ना यहाँ से निकलेगा ना ऊपर से निकलेगा ना यहाँ से निकलेगा, और एकदम मजबूती से फिट हो गया, देख सकते हैं हम यहाँ से नीचे से भी इसको ऑपरेट कर पा सकते हैं क्योंकि मैंने उतना बड़ा थोड़ा बनाया है वो। मैंने एक और मॉडिफिकेशन इसमें किया है कि जब एक्चुअली यहाँ पे एक रबर वाला पार्ट रहता है, गोल एक गोटी वाला पार्ट रहता है और जो जिसके थ्रू हम लोग गोल गोल घुमाते हैं वगैरह, और एक कोई चाबी वाला भी रहता है इसके अंदर, आपने देखा होगा जिसके पास ये होगा उसे मालूम होगा। तो वो एक कुछ टाइम के बाद वो टूट जाता है,
मेरा भी अच्छा खासा चला, एक डेढ़ साल तक चला। बाद में वो सूख के टूट गया, आई थिंक वो रबर जैसा था, वो प्लास्टिक रबर, तो वो टूट गया, वो लोखंड नहीं रहता इसलिए, तो टूट गया। तो उसके अंदर से डंडी वाला पार्ट उसके अंदर ही था, और रबर जब निकालते तब, और एक यहाँ पे होल भी था, तो मैंने क्या किया, एक पट्टी बनवा दिया यहाँ पे। ये पट्टी देख सकते हैं, इतना पट्टी है यहाँ पे एक्चुअली, ये पट्टी को इसमें फिट किया। तो मैंने एक पट्टी बनवाया और यहाँ पे होल किया, और एक होल यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इस पर छोटा होल है, तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने एक्चुअली क्या किया, वो उसको नट बोल से फिट करने के बाद वो बार बार घूम भी रहा था, तो मैंने एकदम से फिट करके यहाँ पे ये एम सील लगा दिया यहाँ पे, तो वो एकदम से जड़ और चिपक गया, और अभी हिलता तक हिलता भी नहीं, और एक पोजिशन पर फिक्स एक्चुअली। इन स्पीकर को मुझे यहाँ पे लगाना है, लेकिन इससे पहले मुझे इसके ऊपर एक कैप बनानी है, जिसकी वजह से हम जब गाड़ी धुलाने दे तो उस पर कैप लगा सकते, क्योंकि ये वाटरप्रूफ शायद नहीं होगा, और जब धोते हैं गाड़ी तब वो लोग ये देख के नहीं पानी डालते हैं कि यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा, वो लोग जैसे तैसे डायरेक्टली पानी डाल के धोते हैं। तो मैं इसके फ्यूचर में सोचूंगा यहाँ पे लगाने का, लेकिन उसके ऊपर एक कैप का सोचूंगा, ताकि वो कैप लगेगा तो उसे पानी अंदर न जाए। थैंक यू।